सर, आज के दिन 14 फरवरी 2019 को जो पुलवामा अटैक हुआ है, उस समय हम जब ब्लास्ट पॉइंट से आगे की, मतलब जैसे जम्मू के साइड में 300 मीटर के लमसम ग्रीन वैली कॉलेज के पास हमारी ड्यूटी थी, कानवाई पास करे थे दोपहर के समय में, दोपहर का टाइम था, कानवाई जब पास हो रही थी तो एक धमाके का आवाज़ आया, मतलब गाड़ी तो चली रही थी, उसके साथ साथ सिविल गाड़ियाँ भी चल रही थी, तो धमाके का पता चलने के बाद हमारे पास वायरलेस सेट रहता है तो उसी से पता चला कि अपने कानवाई के ऊपर मतलब हमला हुआ है। उसी दौरान जो गाड़ियों की सिविल गाड़ियों की सारी मूवमेंट बंद करके, रोड बंद करके, अपनी पोजीशन में तो थे ही अलर्ट, उसके बाद एक्स्ट्रा मतलब पोजीशन लेके अपना जो गाड़ियों को सिक्योर, ताकि उसी दौरान दूसरा और मतलब अचानक हमला ना कर दे कि फायरिंग वगैरह, तो अपने कानवाई को सिक्योर करते कर बाहर गाड़ियों को पास करा दिया सर कैंप। सर दृश्य तो सर हम उस पॉइंट से थोड़ा आगे ही थे, लेकिन ऐसी एक कायराना हरकत है सर कि ऐसा पहले सिविलियन के साथ चल रहे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कार ब्लास्ट या मतलब जैसे अचानक हमला कर, पहले तो यह था कि गोली से या दूर से फायर करेंगे, ग्रेनेड थ्रो करेंगे, ये चलती सिविलियन के बीच में कार बम फिट करके जब गाड़ियों के साथ ब्लास्ट किया, वो तो उसकी उम्मीद नहीं थी। ये फौजी ज़िंदगी है, इसमें ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है और इससे फौज का मोरल डाउन होने का तो सवाल ही नहीं है। फौजी इसीलिए बढ़ते कि ऐसे कायराना हरकत करे, चाहे कोई उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए फौजी बनाए हैं, ऐसा कोई मोरल डाउन होने का तो सवाल ही नहीं है कि फौज उस हमले से दहशत पर कोई मोरल डाउन हो गया, वो कि बल और मतलब मोरल बढ़ गया, अप हो गया है कि ऐसी दोबारा अभी कार्रवाई कर नहीं सकते, ना होने देंगे हम उससे। उस दिन 3:30 बजे के करीब थे और हम लोग आरोपी ड्यूटी में थे, जहाँ से घटना घटी थी वहाँ से हम 400 मीटर दूरी पे जम्मू के साइड में थे, 3:30 बजे के आसपास थे। काफ़ी हम लोग वहाँ पहले से मुस्तैद थे, ड्यूटी में सतर्क थे, तो 3:30 बजे घटना ऐसे आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद हम लोग को पता नहीं चला था कि कहाँ क्या कुछ हुआ। जिब्बर में हम लोग को सेट के माध्यम से पता चला कि गाड़ी हम लोग के गाड़ियों के ऊपर में ये हमला हो गया है। उस समय माहौल ये था कि पहले तो कानवाई के साथ साथ में सिविलियन गाड़ी भी चलती थी, उसमें कोई रोक टोक नहीं था, तो इस वजह से जब घटना घट गई तो वहाँ रोड तो थोड़ा जाम हो गया है, काफ़ी जाम हो गया रोड वहाँ पे। फिर हम लोग जहाँ ड्यूटी कर रहे थे, हम लोग जवान अपना जो रास्ता क्लियर करने के लिए सिविलियन गाड़ी को एक लाइन में लगाए और जहाँ घटने घट गई है वहाँ पे अपना साथियों और अधिकारीगण वहाँ आ गए और तुरंत ही जितना जल्दी हो सके अपना साथियों को हॉस्पिटल शिफ्ट किया। जी अभी करते हैं, अभी ये आदेश हो गया है ऊपर से कि कानवा के साथ साथ में गाड़ियाँ नहीं चलेगी, तो उस वजह से हम लोग अभी आज करते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि जैसे हम लोग का कानवा जब निकलती है तो थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए गाड़ी हम लोग रोक देते हैं और सेफ्टी करते हैं, इस वजह से करते हैं कि पहले जैसे घटना ना हो, जो हो गया उनसे हमने सबक लिए हैं, सीख लिए हैं कि ऐसे घटना दोबारा हम लोग आने नहीं देंगे।